हेलो एवरी वन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे सोलर पैनल का करंट आउटपुट जो है वो कम हो गया है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और करंट जो है आउटपुट कम होने का कौन कौन से रीजन होते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो फिलहाल देख सकते हो हमारे पास है 105 वाट का लुमिनस सोलर पैनल और इसकी पहले मैक्सिमम आउटपुट सप्लाई जो है लगभग साढ़े पांच के आसपास में दे रहा था थोरेटिकली बात करें तो फाइव इसकी आउटपुट सप्लाई है और वोल्टेज की बात करें तो लगभग बीस वोल्टेज के आसपास में तो इसकी आउटपुट सप्लाई है लेकिन गाइस इस सोलर पैनल का साथ क्या हुआ है कि अभी इसकी आउटपुट सप्लाई अगर हम देखें तो ढाई से तो तीन, तीन एम्पियर कहीं ना कहीं फॉल्ट तो जरूर है।, इसी से इसकी सप्लाई कम हुई है तो यही हम आपको, इस में प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने सोलर पैनल का अगर करंट आउटपुट कम हो गया है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट हैं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को आपको बताते हैं सो so गाइस सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे पैनल में अगर कोई खराबी आ जाता है तो उसकी आउटपुट सप्लाई कम हो जाती है जैसे हमारा पैनल जो है छत्तीस सेल से बना हुआ होता है यहाँ पर देख सकते हो एक दो तीन चार और इसी तरह से दोस्तों छत्तीस सेल मिल करके हमारे सोलर पैनल को तैयार किए हुए हैं और अगर दोस्तों हमारा एक सेल भी अगर खराब हो जाता है तो हमारा सोलर पैनल जो है उसकी आउटपुट सप्लाई कम हो जाती है और हमारा सोलर सेल जो है वो किस तरह से खराब होता है इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है तो पहला रीजन तो ये है कि अगर एक सेल खराब हो गया है दो सेल खराब हो गया है तो वो सेल काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से 36 सेल में से अगर 6 सेल भी खराब हो जाता है तो आउटपुट सप्लाई कम मिलता है और दूसरा कारण यह है कि हमारा सोलर पैनल का जो बैक साइड में एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ होता है अब क्या है दोस्तों ये जंक्शन बॉक्स बॉक्स लगा हुआ होता है हमारे सोलर के पीछे साइड में तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे होता है तो ये रहा हमारे जंक्शन बॉक्स का अंदर का कुछ किट जो से यहाँ पर आपको दो डायवर्ट देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर ठीक है गाइज तो अगर इन दोनों डायवर्ट में से कोई एक डायवर्ट भी अगर ख़राब हो जाता है या फिर इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है तो हमारा सोलर पैनल जो है पूरा का पूरा आउटपुट सप्लाई नहीं देता है तो डाइवर्ट को कैसे टेस्ट करना है ये भी हम आपको पहले बता देते हैं तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में जो आप डावर्ट देख रहे हो सेम टू सेम यही डायवर्ट जो है हमारे सोलर पैनल में ही लगा हुआ है तो इस डाइवर्ट को हमें अगर अगर दोस्तों ये डायवर्ट चेक करने के बाद अगर इसमें कोई फॉल्ट नज़र आती है तो हमें ये डायवर्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा जो कि आप देख पा रहे हो हमारे सोलर पैनल के लिए हमने ये डायवर्ट लेकर के आया हुआ है अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायवर्ट सही है कि नहीं या फिर कैसे हम जाने कि हमारे सोलर पैनल के अंदर जो डायवर्ट लगा हुआ है वो सही काम कर रहा है कि नहीं तो उसके लिए दोस्तों हमें लेना होगा मल्टीमीटर हमें अपने मल्टीमीटर को डायवर्ट वाले ऑप्शन पे ले जाकर सेट करना होगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायवर्ट का एक सिंबल बना हुआ है तो अगर हमें पता करना है कि हमारा डायवर्ट सही काम कर रहा है कि नहीं तो हमें क्या करना होगा डायवर्ट को कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना होगा अगर उल्टा कनेक्शन करने पर एकदम रीडिंग जीरो आता है या फिर एक आता है देखिए हमने कनेक्शन हटा दिया है फिर भी यहाँ पर रीडिंग एक दिखाई दे रहा है तो जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर भी यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रहा है और जैसे ही इसको हम उल्टा करके और हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा डाइवर्ट का रीडिंग आ रहा है थ्री नाइन थ्री मतलब कि ये हमारा डाइवर्ट जो है वो सही काम कर रहा है तो इसी तरह से दोस्तों अगर डाइवर्ट को अगर हम सीधा कनेक्शन करते हैं और रीडिंग हमारे मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा है तो ठीक है अगर उल्टा कनेक्शन करते हैं और रीडिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है अगर उल्टा रीडिंग दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपका डाइवर्ट जो है एकदम खराब हो चुका है तो इसी तरह से हमें अपने सोलर पैनल का भी डाइवर्ट चेक करना है तो चलिए हम सोलर पैनल का डाइवर्ट जो है चेक करके दिखाते हैं तो ये रहा गाइस हमारे सोलर पैनल का डायोड तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उल्टा ही कनेक्शन करते हैं तो उल्टा कनेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे मल्टीमीटर में किसी भी तरह का कोई रीडिंग नहीं आ रहा है फिर हम इस डायोड में भी हम चेक करते हैं उल्टा कनेक्शन करके तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो कोई रीडिंग नहीं आ रहा है अब दोस्तों ये हमारा जो डाइवर्ट है ये आठ एम का है तो इसमें भी होता है कि अगर हम सीधा कनेक्शन करते हैं और आठ एम आउटपुट सप्लाई दे रहा है तो समझिए ठीक है तो यहाँ पर हम कनेक्ट करके देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फाइव पाँच इसका कंडीशन आ रहा है पाँच सौ मतलब कि ये डायवर्ट जो है ठीक ठाक काम कर रहा है और ये डायवर्ट जो है पाँच सौ मतलब कि दोनों डायवर्ट जो है एकदम सही काम कर रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इस डायवर्ट को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 506 सौ जबकि इसको सात सात सौ के आसपास में इसको रीडिंग शो करना चाहिए था और इसको भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ इसमें भी पाँच ही रीडिंग शो कर रहा है जबकि इसमें सात के आसपास में या फिर आठ के आसपास में रीडिंग शो करना चाहिए था तो यह हमारा दोनों डायवर्ट जो है वो ख़राब हो चुका है तो दोनों डायवर्ट को हमें चेंज करना होगा तो इसीलिए दोस्तों हमने इस तरह का दो डाइवर्ट परचेस किया हुआ है ताकि हम इसको हटा करके इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकें तो आराम से दोस्तों आपका भी सोलर पैनल अगर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है आउटपुट सप्लाई कम दे रहा है तो आप इस डायवर्ट को चेंज कर सकते हो और अपने सोलर पैनल का जो परफॉर्मेंस है उसको ठीक कर पाओगे